मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ सुन रहे हैं आप सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। और आज बउआ को फोन करके किसी ने कहा कि पुराने जमाने के गानों में मतलब होते थे, इमोशंस होते थे, आजकल के गानों में ना लॉजिक है ना मतलब है ना इमोशंस, और कुछ कुछ का मतलब तो ऐसा निकल जाता है। इस पे बउआ ने क्या किया, जड़े सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो, या यू कैन फॉरवर्ड दिस डिटेल टू मिस्टर शर्मा, ही प्रोबब्ली विल गेट बैक टू मी ऑन दिस। ओके, हेलो, आस्क हिम टू कॉल मी ऑन मंडे। ठीक है, हेलो, यस, इज दैट ख्याति? यस, या हाय ख्याति, दिस इज अंकुर कॉलिंग फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड। ओके, this is regarding your complaint number 131. I think last Saturday you have... Okay, yes. So can I transfer your call to our executive? Yes, sure. Yeah, sure. Just hold on for a second. Yeah. Yeah, hello? Hello? Yeah, hi. Hi. Is that Kathy? Yes. Yeah. Okay. Yeah, I'm the executive calling from Private Limited. Achha, okay, bataiye. Why are you laughing? Seriously, the executive, aapka awaaz bada ajeeb sa. Aapka nahi, aapki awaaz. Yeah, whatever. So whatever it is. This is... No, don't get into the awaaz and the personal thing. Okay, fine. My name is Bahua. Okay, aage bolye. Okay, you want to talk to in English or Hindi? English. Hindi country mein rehke angrezi mein bolengi. What kind of person you are? Are yaar, to option hi kyu de rahe ho? So let me speak. I am much more comfortable in Hindi, right? Okay. Again, okay. You should say, theek hai. Theek hai, bhai, theek hai. Aap aage bolye, please. Your father's name, Kathy? Mr. Umesh. Okay, your mother's name? Mrs. Pushpa. Your brother's name? Divyansh. Some other's name? What? Sorry, sister's name? Sorry. I don't think you need such details. Please, your sister's name? Okay, Disha. Okay. Your grandpa's name? Papa ke side wale grandpa? I mean, are you sure you want to? Yes, please, I'll tell you later on. Why do we need such details? Hame ye detail kyun chahiye? I'll tell you in some time. Dada ji ka naam? Mr. Shekhar. नाना जी का? आई एम रियली सॉरी बट आई एक्सप्लेन इट टू यू। नाना जी का नाम प्लीज? मिस्टर हरिलाल। मिस्टर हरिलाल? ओ, हरी एंड लाल मतलब ग्रीन एंड रेड बोथ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नो, दिमाग तो ठीक है, हुआ है आपका बॉयफ्रेंड। एक सॉरी लास्ट इसी में जाए, तेरा कंप्लेंट नंबर में ले ले अपना। लुक एट द वे यू आर अब्यूजिंग द क्वालिटी, पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कॉल। तेरी क्वालिटी क्या है, दिख रही है बकवास इतनी तरह से। सॉरी, आर यू मैरिड? क्या करेगा जान के? डिटेल चाहिए। आर यू मैरिड? लास्ट टू डिटेल्स। आर यू नॉट? यू नॉट मैरिड? डू यू हैव बॉयफ्रेंड? हाँ है, बता। उसका नंबर दू? ऐसे तैसे कर देगा तेरी आगे। डोंट मिस विद जोहान, सॉरी बउआ। पता नहीं क्या लोगों का काटने के लिए बिठा रखा है तुझे, क्या करने के लिए कर रहा है? बोल रही, कम अगेन, क्या काटने के लिए? जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के। आपके नाना जी हरिलाल जी, कभी बॉयफ्रेंड को हरिलाल बुलाया? यस और नो? नहीं बुलाया। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? आर यू देयर ऑनलाइन? यस आई एम ऑनलाइन, जो बोलना है जल्दी मुझसे बोल। आपने अपने बॉयफ्रेंड को कभी नाना के नाम से नहीं बुलाया? नहीं। लेकिन ये लड़की क्यों बुला रही है? कौन लड़की? ये देखो, देख। Oh my God! What? अरे मैं गधा बोल रही हूँ। एक बॉयफ्रेंड का नाम बता ही दिया आखिर आपने। आपकी किस्म वो मेनू कहती है हरिलाल हरिलाल। फोन रखो, मेरा जवाब है हरिलाल हरिलाल। ओके, सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। हाँ, सुपर हिट्स 93.5 पर मैं हूँ रौनक, और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास से इंस्पायर्ड इस कवि सम्मेलन में आप लोगों का स्वागत है। पूरे हफ्ते का हाल आपको इसमें मिल जाता है। और जब से मैं पढ़ाई पूरी करके निकला हूँ जिस यूनिवर्सिटी से, लोग हमेशा ताना मारते थे, बड़ी बर्बाद यूनिवर्सिटी, बड़ी बर्बाद। लेकिन भला हो जेएनयू वालों का, उन लोगों ने उनका नजरिया ही बदल दिया। आगे बढ़ते चंद पंक्तियां इसी पर कि वकीलों को कन्हैया पे बड़ा ही गुस्सा आता है, और ओपी शर्मा बिगड़ जाते रहपट रिपोर्टर पाता है। तो मैं वकीलों से कहना चाहूंगा, भैया उसका नाम कन्हैया कुमार है, कन्हैया को मार नहीं। अरे वकीलों को कन्हैया पे बड़ा ही गुस्सा आता है, ओपी शर्मा बिगड़ जाते रहपट रिपोर्टर पाता है। है काले कोट की गलती या खाकी की नाकामी है, हर कोई एक दूसरे को देशभक्ति सिखाता है, पर
दोस्तों याद रहे कि वो भी तो देशभक्त है जो तिरंगे में लिपटा आता है। तो इन्हीं सैनिकों की वजह से आज हमारी आजादी कायम है, लेकिन वहीं एक दूसरी आजादी यानी फ्रीडम 251 भी लॉन्च हुआ, तो चंद पंक्तियां उस पर भी कि फ्रीडम 251 खातिर जनता तड़के उठ जानी है, और फ्रीडम यूं ही नहीं मिलता, बात भेजे में आनी है। तो अब पता चला कि फ्रीडम के लिए सचमुच स्ट्रगल करना पड़ता है। अरे वहां भी फ्रीडम की खातिर छिछोरे चार भौंके थे, आज बिल में छिपे बैठे ये गद्दारों की निशानी है। तो वो स्टूडेंट्स जो नारेबाजी के बाद अब छुप गए हैं, उनसे बोलना चाहूंगा कि मिलो जल्दी, पुलिस भी अब लाठी को तेल पिलानी है। और गालियां चुन चुन कर आई, अभी तो और भी आनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। कहती हैं रेल बजट तो आ गया, अब आम बजट की बारी है। लेकिन आम बजट को आम बजट काय को बोलते हैं? क्या बउआ और बैरागी जी इस पे चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन जी? मैं बउआ और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी हैं। कौन बउआ और कौन बैरागी? नहीं नहीं नहीं, प से बउआ, ब से बउआ सर। अच्छा, फिर क्या करूं? नहीं करना नहीं है, हम अगर आप बताएं तो हम शुरू करें। क्या शुरू करें? हर हफ्ते एक चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है? एक सेकेंड, जहाँ एक्सपर्ट बैरागी जी अपनी विशेष राय आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ बांटते हैं। अरे मैं जानता नहीं पहचानता नहीं खामा हूँ, क्या चर्चा कर रहे हैं? दो मिनट भाई साहब, चर्चा टॉपिक तो सुन लो। ठीक है, तो बजट आने वाला है। अच्छा, तो उसे आम बजट कहते हैं, आपने सुना है भाई साहब? आम बजट ही आता है, और क्या आता है? नहीं तो यही बात है, आम बजट ही क्यों होता है? बड़ा सवाल ये है कि इतने और फल हैं, आम बजट ही क्यों कहा जाता है? बैरागी जी इस पे टिप्पणी देंगे। सुन, ऐसे मत पूछिए सब चीजें। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, शांत हो जाओ। बैरागी जी बताएंगे आम क्यों कहते हैं, आम बजट बता। बात आज की नहीं है। सबसे पहले 1924 में केला बजट आया था। केला बजट जी, जनता को केला समझ नहीं आया, सबने बोला ये क्या केला है। काफी कोशिशों के बाद आड़ू बजट नाम रखा गया। आड़ू, ये तो बड़ा फाड़ू नाम है। नाम है फाड़ू। उसके बाद कौन से कौन से फल? काला अंगूर, हरा अंगूर, फिर पपीता आया। सबने कहा कि कैसा फल जो कि साल भर, क्योंकि बजट साल भर के लिए आता है। तो साल भर चलने वाला फल कौन सा? केला नहीं, अमरूद नहीं, संतरा, तरबूज, जिसको ट्रेन में चखा जाता है, कहीं भी खाया जाता है। कटरीना खाती है, गुलशन ग्रोवर उसका जूस पीता है, उसी के अचार डलते हैं। आम आम आम, और वहीं से आया आम बजट, सबकी जिंदगी में रस लेकर के। देख लियो जाके। एक सेकंड, इनका नाम क्या? बड़ा गंदा बोल रहे हैं। बल्लू एंग्लो। आप बल्लू एंग्लो हैं? अरे भड़क गए बल्लू एंग्लो। बल्लू एंग्लो बहुत ही ज्यादा। बैरागी विनायक बस करिए, बल्लू एंग्लो ने फोन कर दिया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही नजदीक, मैं कहूँगा यहीं से पहली बार आई। हाँ जी, लोधी गार्डन में प्रेमी जोड़े पकड़ने वाले। हाँ? बबलू ढाका की बीवी फातिमा गोंजाल्वेस लिखती हैं। बबलू ढाका की बीवी फातिमा क्या लिखती हैं? यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता फातिमा गोंजाल्वेस। थैंक यू फातिमा, बबलू ढाका को समझाओ मत पकड़ो जोड़ों को। सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। इस वक्त गुड मॉर्निंग सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। भला बुरा आज के जमाने में आप किसी को नहीं बोल सकते, कोई नहीं सुनेगा, तो भला बुरा पे बउआ ने क्या मजे लिए, सुनते ना। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन? सो रहे थे क्या? डिस्टर्ब किया, बाद में लगाओ। वक्त तो लगा दिया बता। मैं कह रहा था मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? बिरयानी, टिंडे की सब्जी। क्या करना है इसका? नहीं नहीं करना नहीं है। कंपनी का बॉस और कंपनी का एम्प्लॉई। अच्छा, हेलो, ये क्या कंपनी बॉस एम्प्लॉई बिरयानी टिंडे तोरी क्या एक हेलो एस आर के और के आर के। अरे फोन रख दे। हेलो सर, सिग्नल वीक है, फोन कट गया था। अरे वीक नहीं है। सॉरी, मैं कह रहा था बिरयानी टिंडे की सब्जी। अरे बिरयानी को अपनी डाल लो। नहीं आप सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये सुन लो ना। बोल। आजकल आदमी भला बुरा नहीं सुन सकता। अच्छा,
तो मैं एक भला और एक बूढ़ा बोल रहा हूँ, जैसे भला क्या है बिरयानी और बूढ़ा क्या टिंडे की सब्जी। किसी को टिंडे की सब्जी भली लगती हो फिर? क्रॉस क्वेश्चन नहीं, ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? एम्प्लॉई और बॉस, एम्प्लॉई भला बॉस बुरा। अब बता और बता भला और बता। हाँ, एस आर के और के आर के, एस आर के भला और के आर के बुरा। शोले और डरोना, शोले अच्छी पिक्चर भली पिक्चर, डरोना कौन सी पिक्चर है? देख इतनी बुरी है तेरे को मालूम भी नहीं कौन सी है। मदर ए मदर टेरेसा ओसामा बिन लादेन, अब इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब एक मेरा भी सुन ले। हाँ बताओ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वाह क्या बात है, ब्रिलियंट। नींद में होते हुए भी आप जैसा आदमी। सरसों का और एक भला बुढ़ा सुन, सरसों का तेल भला और जापानी तेल। हेलो कीचड़ और परफ्यूम, कीचड़ भला? कीचड़ कैसे भला है? एक मिनट, कीचड़ से दाग लगते हैं और दाग अच्छे हैं, आते हैं ना टीवी पे। मेंटल आदमी। दाढ़ी और मूंछ। अच्छा दाढ़ी भली मूंछ बूढ़ी, बता कैसे? मुझे नहीं पता, तू बता। दाढ़ी में तिनका होता है, डूबते को तिनके का सहारा, तूने डूबते आदमी को बचा लिया दाढ़ी बड़ी। मूंछ बूढ़ी क्यों पता है? क्योंकि मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो कितना बूढ़ा है ना। कितना तू नींद में गंदा बोल रहा है, मेरे को ये गलत बात हो रही है। धर्मेंद्र और जितेंद्र बता कैसे? जितेंद्र और धर्मेंद्र सुन ले, जितेंद्र से जीत आती है, धर्मेंद्र से धर्म के नाम पे लोग गंदा बोल रहे हैं एक दूसरे को। भाई मुझे एक आखिरी बता रहा हूँ, अंडा और डंडा। अंडा दूंगा तो अपना खोलोगे और डंडा दूंगा तो गंदा दूंगा, तो इसीलिए डंडा गंदा है, ठीक है? तुम्हें जान है ये ऐड आता था क्या, आप लेडीज से फोन करके को बउआ कुछ बात कर सकता है, मजे ले सकता है, सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो। ओह व्हाट अ कोएक्सीडेंट, लेडीज कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज बउआ बोल रही हूँ। दीदी किससे बात करनी है? आपसे दो मिनट चाहिए था। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ दो मिनट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं। फोन काटेंगी? बिल्कुल प्लीज। हेलो। हेलो मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। माँ को फोन करना। अरे उल्लू का बच्चा, पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके, सुनने आ जाएगा तेरे। एक बार दो बार 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 परेशान करना। एक मिनट बस। कोई एक मिनट नहीं है, फोन रख नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोला या पुत्री बोला? आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। तब बोल क्या बोलना है? बोल टाइम नहीं है। देखिए गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल क्या करूँ फिर। और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा। और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा। यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा। यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो अब इतना पत्थर है, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं गलत बोल। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही है दीदी? हेलो ये सीमेंट। हंस रही है आप, मन में हंस रही है आप, आपकी हंसी हंसी झूठ रही है। तो ये जो अपनी बातें बता रहे हैं ना, मुझे बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप। एक सेकंड, मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है, यानी औरत सीमेंट की तरह होती है, यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आओ अपने घुसा। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे। रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है? सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले। हंस भी रही है, गंदा भी बोली थी यार। हेलो सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। फेवरेट एफएम स्वागत आप लोगों का। बउआ जी इस वक्त स्टूडियो में 9:16 पे। व्हाई आर यू शाउटिंग व्हेन आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू? डोंट मेक इट अ प्रोपोगंडा। कौन सा गेंडा? सॉरी। नहीं तुम ही मजे ले सकते हैं, हम नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है, एक बार एक लड़के ने एक पापा के मजे ले लिए अपने। मतलब? ये अब्बास छींक रहा है, छींक दे थूक दे सारे यहीं कर दे, खड़ास कर दे, ऐसा कर दे। अच्छा तो बताना पापा ने बच्चे कैसे मजे लिए? नहीं नहीं बच्चे ने पापा के। बोलेगा? नहीं पापा ने बोला दिन भर फेसबुक पे बैठा रहता है, ये रोटी नहीं देने वाली। तो बच्चा पापा से बोलता है पता है लेकिन रोटी बनाने वाली तो यहीं से मिलने वाली है।
तो आज का बहुआ का टॉपिक किसने दिया जरा सुनते हैं। रौनक भाई मेरे को बैराग में अर्जेंट बोल रहा हूँ, मेरे को बैरागी जी से एक टॉपिक डिस्कस करवाना था। बताइए दादा कि आज से लेके गाना चल रहा है कि कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, तो क्या बउआ इस पे बैरागी जी के साथ कुछ एक हेल्दी डिस्कशन और मजे ले सकते हैं? यानी बैरागी जी के साथ आज एक बड़ी चर्चा जो होती है, नंद किशोर बैरागी जी के साथ चर्चा करना है आज, और इसका टॉपिक अचिंत जी ने फोन करके दिया। कहते हैं कि कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ये गाना आजकल बड़ा चल रहा है, और इस गाने पर क्या बउआ को चर्चा कर सकता है? बउआ ने क्या मैंने क्या मजे लिए, आइए सुनाता हूँ। हेलो, जवाहरों की खुशबू आ रही है, शायद कहीं फोन लग गया बैरागी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बात कर रहा हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। हेलो, कौन बैरागी? सब बताएंगे, अगर आप शुरू हैं तो बताइए, हम शुरू करें। भाई शुरू किस बात पर? यही बात शुरू करनी है जल्दी, एक छोटी सी चर्चा होती है हर हफ्ते। भाई सब बोल कौन रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी, और जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि। क्या प्रतिनिधि? मैं कौन सा प्रतिनिधि? इस चर्चा में हिस्सा लेते हैं ना? ये क्या बात है? ये बात हो बहुत ही अच्छी मुद्दे की चर्चा होगी, मुद्दा होता बनना, बस हिस्सा लीजिए। सवाल अंत में बताओ, बताओ कौन सी चर्चा करानी है? बताओ, इन्होंने हामी भर दी। तो इस हफ्ते का मुद्दा ये है बैरागी जी की एक कन्या है, भाई साहब आप भी सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। एक कन्या है जो आजकल जगह जगह लोगों को घूम करके एक संदेश दे रही है। अच्छा, क्या संदेश है? संदेश है भाई साहब, ये संदेश दे रही है। अच्छा अच्छा, ये तो गाने में संदेश दी, तो गाना है? गाना नहीं है, इसके पीछे छुपा एक संदेश है। लड़की कह रही है कुंडी मत खटका। हाँ गुरु, हनी की चेली पीपनी मिश्रा है। नहीं एक सेकंड रुकिए, आप कह रहे हैं ये समाज को भटका नहीं रही है क्या? नहीं कहाँ भटका रही है, सही राय दे रही है। तो आप बताइए सही राय कैसे दे रही है? नवयुवक भी कह रहा है ये गाना बहुत ही उत्तम है समाज के लिए। कैसे? क्योंकि पीपनी मिश्रा ने जब स्नातक की डिग्री ली पगली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। पगली डिग्री? स्नातक की डिग्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी भाई? पगली प्रोफेशनल। अच्छा, तो वहाँ से डिग्री लेती इसने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखा। तो इसका कहने का मतलब सीधा सही है, कुंडी मत खड़का सीधा अंदर आओ, टाइम मत खराब कर सीधा अंदर। मतलब कुंडी खड़काने से टाइम वेस्ट होगा, लेकिन सीधा अंदर आओ का क्या मतलब? जैसे दरवाजे के साइज बहुत बड़े हैं, 7-7 फुट के, आप उसमें झुक के क्यों जाएं? हाँ, सीधा अंदर आए ताकि आपकी स्पाइन में दिक्कत। स्पाइन रीढ़ की हड्डी। योग भी कहता है, योग भी कहता है सीधा बैठिए। गाना किसने दिया? एक सेकेंड, यानी ये लड़की टाइम मैनेजमेंट और योगा दोनों सिखाएगी। और सबसे जरूरी बात जो इस गाने में समझने की, हाँ, कि कुंडी मत खड़का सीधा अंदरा राजा के लिए, ये बात सारी बात राजा के लिए। मैं बैरागी, आप बैरागी, आप बउआ, मैं बउआ, और ये हेडक आदमी हेडक त्रिपाठी। ओ भाई हेडक त्रिपाठी कौन है? इनका नाम है, इनका नाम हेडक त्रिपाठी, बड़ा हेडक आदमी है यार। भाई आप हेडक त्रिपाठी, हेडक त्रिपाठी, लेकिन आप गंदा नहीं बोल सकते बैरागी जी को। क्यों नहीं बोल सकते गंदा? चर्चा यहीं खत्म होगी, नंद किशोर बैरागी जी के साथ मैं बउआ और ये हेडक त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेडक त्रिपाठी होगा तू, बड़ा ही हेडक आदमी। प्रकाश लोसन कैमरा मैन थी, लेकिन इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? इस बार की चिट्ठी ट्यूनीशिया की मोदी मिल फेज 3 से। ट्यूनीशिया का मोदी मिल फेज 3 से। दो बहनें, सगी जुड़वा दो बहनें लिखती हैं, सिंपी और सलोई। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। उन्होंने सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। मेला प्रशासन। कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप आगे आ जाओ, आप आगे ले आओ बच्चे। बउआ कौन? मैं मेला घूमने आया हूँ अंकिल, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक। देखो यहाँ पे सब बिक, तो एक सेकेंड, मेला प्रशासन की अनाउंसमेंट हो रही है। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास। हाँ जी। अरे मुझे क्या करना है उसके? फिर 2 मिनट मदद चाहिए भाई साहब। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास एक लाल चड्डी में बच्चा मिला है। अजी, जिनका बच्चा है, हा? आकर ले जाएं। देख रहे आप, सुना आपने? अरे तो उससे मुझे क्या लेना था? अजय तुम भी बच्चा जाने। मेरा बच्चा थोड़ी है वो। चूड़िया हरी चूड़िया लाल चूड़िया। मेला प्रशासन, आपका अगर बच्चा होता तो आप क्या करते? जरूरी सूचना। अरे तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं उसका अपने बच्चों का हाथ। तो गंदा क्यों बोल रहे हो आप? अगर मेरे पास क्यों फोन करा तूने? इसलिए किया, एक सेकंड, लाल चड्डे में बच्चा काफी देर से। एक सेकंड रुक जा भाई साहब। हाँ जी।
ये बच्चा दिखाइए जरा। देखिए खड़ा है, एक घंटे से चिंगम चबा के फीकी कर दी इसने। ये तो नॉर्मल लग रहा है, तो इसे कहाँ अस्पताल भेज दूँ? नहीं भाई साहब आप हंस रहे हैं, एक सेकेंड, इसकी तो दो आँखें दो हाथ हैं। तो आपने क्या सोचा था, शुतुरमुर्ग गए? तेरे के चार पैर है क्या? ये देखो ये देखो आपके दो आंख दो पैर ही होते हैं। दो आंख नहीं, एक सेकंड। एग्जैक्टली, मेला प्रशासन आपको तोहफा देता है। एक सेकंड, मेला प्रशासन आपको बुलाया जाए? अरे मेला प्रशासन की मेरे को क्यों बुला रहा है? एक सेकंड, मेला प्रशासन के कार्यालय में एक बच्चा है, एक घंटे से यहाँ पर खड़ा है लाल चड्डी में, जिनका बच्चा आकर ले जाए। हाँ जी, अरे लाल चड्डी इसके मुँह में भर दो, समझ आई लाल? एक सेकंड, इसके पापा चिराग दिल्ली में मिलेंगे, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। दिल्ली एक क्यों, मैं बताता हूँ। ये आपने क्या अनाउंसमेंट किया? बच्चा लाल चड्डी में है। लाल चड्डी में है, जिनका है आकर ले जाए। इन्होंने बोला ना, किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाए। तो जिन जिन तो चिराग में रहते हैं, वो भी चिराग दिल्ली में मिलेगा। अरे बूमर की औलाद, तुझे फुला के फोड़ दूंगा भाई साहब। बहुत बोल रहा है, मेला प्रशासन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा है, अबे वो बूमर की औलाद सेंटर प्लस चला जा। अबे चल तेरी, बुला के फोड़ दूंगा बूमर की औलाद, पट्टा गवा जाएगी। बम लगा के उड़ा दे। किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाए। हुकुम मेरे आका, फोन रखो तुम्हारी माँ का। बूमर, बूमर की औलाद बुला के फाड़ दे पट्टा। हेलो, हेलो भाई साहब नमस्ते। मेला प्रशासन कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप आगे आ जाओ, आप आगे ले आओ बच्चे। बउआ कौन? मैं मेला घूमने आया हूँ अंकिल, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक। देखो यहाँ पे सब बिकते, एक सेकेंड, मेला प्रशासन की एक अनाउंसमेंट हो रही है। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास। हाँ जी, अरे मुझे क्या करना है उसके? फिर दो मिनट मदद चाहिए भाई साहब। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास एक लाल चड्डी में बच्चा मिला है। अजी, जिनका बच्चा है हा? आकर ले जाएं। देख रहे आप, सुना आपने? अरे तो उससे मुझे क्या लेना था ना? अजय तुम भी बच्चा जाने, मेरा बच्चा थोड़ी है वो। चूड़िया हरी चूड़िया लाल चूड़िया। मेला प्रशासन, आपका अगर बच्चा होता तो आप क्या करते? जरूरी सूचना। अरे तो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं उसका अपने बच्चों को हाथ। तो गंदा क्यों बोल रहे हो आप? अरे मेरे पास क्यों फोन करा तूने? इसलिए किया, एक सेकंड। लाल चड्डे में बच्चा काफी देर से, एक सेकंड रुक जा भाई साहब। हाँ जी, ये बच्चा दिखाइए जरा। देखिए खड़ा है, एक घंटे से चिंगम चबा के फीकी कर दी इसने। ये तो नॉर्मल लग रहा है, तो इसे कहाँ अस्पताल भेज दूँ? नहीं भाई साहब आप हंस रहे हैं, एक सेकंड, इसकी तो दो आँखें दो हाथ हैं। तो आपने क्या सोचा था, शुतुरमुर्ग गए? तेरे के चार पैर है क्या? ये देखो ये देखो, आपके दो आंख दो पैर ही होते हैं। दो आंख नहीं, एक सेकंड। एग्जैक्टली, मेला प्रशासन आपको तोहफा देता है। एक सेकंड, मेला प्रशासन आपको बुलाया जाए। अरे मेला प्रशासन की मेरे को क्यों बुला रहा है? एक सेकंड, मेला प्रशासन के कार्यालय में एक बच्चा है, एक घंटे से यहाँ पर खड़ा है लाल चड्डी में, जिनका बच्चा आकर ले जाए। हाँ जी, अरे लाल चड्डी इसके मुँह में भर दो, समझ आई लाल? एक सेकंड, इसके पापा चिराग दिल्ली में मिलेंगे, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। दिल्ली एक क्यों, मैं बताता हूँ। ये आपने क्या अनाउंसमेंट किया? बच्चा लाल चड्डी में है। लाल चड्डी में है, जिनका है आकर ले जाए। इन्होंने बोला ना, किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाए। तो जिन जिन तो चिराग में रहते हैं, वो भी चिराग दिल्ली में मिलेगा। अरे बूमर की औलाद, तुझे फुला के फोड़ दूंगा भाई साहब। बहुत गंदा बोल रहा है, इनके ऊपर एक गाना भी बना है, सुनाओ। जिनके साइड हो, अरे वाह, जिनके साथ हो, साथ नहीं साइड हो, सुना दे आगे। इस गाने में भी जीन है, बताऊं कैसे? कैसे? जीने मेरा दिल, जीने। मेला प्रशासन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा है, अबे वो बूमर की औलाद सेंटर प्लस चला जा। अबे चल तेरी, बुला के फोड़ दूंगा बूमर की औलाद, पट्टा गवा जाएगी। बम लगा के उड़ा दे। किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाए। हुकुम मेरे आका, फोन रखो तुम्हारी माँ का। बूमर, बूमर की औलाद, बुला के फाड़ दे पट्टा। सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी मौजूद हैं इस वक्त। जाग जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन नंद किशोर भाई? भाई नहीं, बैरागी। बैरागी, हाँ भाई। बैरागी कौन? बैरागी सब बताएंगे, अगर आप तैयार हैं तो शुरू करें। क्या शुरू करना है? हर हफ्ते चर्चा होती है जहाँ बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं और आप प्रतिनिधि जनता के। तीन मिनट को किससे पूछते? प्रतिनिधि बना दिए, क्या प्रतिनिधि है? जाइए, एक मिनट, आपकी जिम्मेदारी है ना, प्लीज। हाँ करें, करो।
इस बड़ी का मुद्दा जो है बैरागी जी, जी। रात गई भाई साहब, क्या कहते हैं, रात गई बात गई भेड़ी। ये नवयुवक जानता है इस बात को, लेकिन शायद ये नहीं जानता होगा कि आखिर ऐसा कहते क्यों है, वो आप बताएंगे। अच्छा भाई, ये मुद्दा है, इस पे बहस करनी है। हाँ, इसी पे होगा सब कुछ। और कौन करेगा? बैरागी जी एक्सपर्ट, वो बताएंगे। आपके कोई सवाल है जरूर उसको अंत में सवाल रखिएगा। तो मुद्दा है कि रात गई बात गई, बात गई। तो बातों का अस्तित्व आज से नहीं, कुंभकर्ण काल से। कुंभकर्ण के टाइम का बैरागी? मैं किस टाइम का, उसको छोड़िए, मुद्दा का। तू क्यों समझदार बन रहा है? समझदार बनते नहीं, होते हैं। होते हैं, बनाए तो लोग वो जाते हैं। चौ से क्या होता है? चमगादड़। चमगादड़ बनाया जाता है। चमगादड़ नहीं, जैसे तू मुझे जो जो है उसको वो मालूम है, हमें नहीं मालूम। सॉरी बहन बेटी, घर बचाओ, सब होगा। लेकिन मैं बोल रहा था आपसे कि रात गई बात गई। अरे वाह, चंचल युवक। तो रात गई बात गई में जब आप खा पी करके सोते हो और सुबह उठते हो, आपको क्या याद आता है सबसे पहले? सपना। एक दिन क्या याद आता है? हगना। हमें, हम सपना बोल रहे थे, हगना बोल रहे हैं आपको तो मतलब एक सेकेंड। हाँ, तो सुबह सबसे पहले दो नंबर जाने का मन होता है आदमी, जैसे ही वो जो बातें जो खाया उसने होता है वो सब निकाल दे, निकाल दे। तो इसलिए रात गई बात गई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि पहले बातें होती थी, वजन होता, वजन होती थी, कुछ भारी होता। बातों में, बातों में वजन नहीं रहा। अब बातों में गोबर होगी, बातें वो हो गई। ट से आप क्या कह रहे थे? ट से टमाटर। टमाटर नहीं, कुछ है। अरे ट से टट्टी। सब जानता है भाई गॉड, इतना गंदा कैसे बोल सकते हैं आप? इसीलिए कहते हैं रात गई बात गई, यानी जो खाया उसे फ्लश कर दिया। इनका नाम क्या बेटा जी? इनका नाम है बंकर बबलू। आप बंकर बबलू हैं? जब आप बंकर बबलू बंकर। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है बेटा जी? बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक जगह, धिमक्कड़पुर। अरे वाह, धिमक्कड़पुर की पेचेदा गली में चटनी पीसने वाली भल्ला की बेटी कुमारी पापड़ी त्रिवेदी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। पापड़ी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। शुक्रिया पापड़ी। सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। टाइप लोगों का, मैं अकेले पूरी दुनिया बदल लूंगा। क्या बात है? मैं अकेले पूरी दुनिया बदल डालूंगा। क्या बात है? अकेले पूरी दुनिया। हाँ, बदल डालूंगा आगे, लेकिन पहले सुबह सुबह कोई मुझे रजाई से निकाले। आइए, बउआ का टॉपिक किसने क्या लिया, जरा सुनते हैं। हाय रोनू भाई, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। हर्ष भाई बताओ। हेलो सर, अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं तेरा टेटुआ दुआ दूंगा। हाँ। तो सर ये टेटुआ है किधर, आप क्या इसमें बउआ बन के मजे ले सकते हैं? जरूर, आखिर टेटुआ होता कहाँ है, क्या बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक भाई साहब जिनका नाम हर्ष, जिन्होंने फोन करके टॉपिक दिया। पूछते हैं यार बउआ भाई, टेंटुआ दबा दूंगा ऐसा अक्सर लोग एक दूसरे को धमकी देकर कहते हैं, आखिर टेंटुआ होता होता कहाँ है? आइए जरा सुनते हैं। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? अंकिल जी, बउआ बोल रहा था। हाँ बोलो बेटा। बउआ बेटा लग रहा हूँ क्या? बाप थोड़ी लग रहे मेरे। अबे बोलेगा। सॉरी, मैं कह रहा था। हेलो। हाँ बोलना। सॉरी, चिड़ क्यों रहे हो? मैं कह रहा था, आदमी की आदत होती घुमा फिरा के बात करने के लिए, सीधा पॉइंट पे नहीं आता आदमी। हाँ तो बोल। क्या बोल? हेलो। अबे तो हेलो के आगे बोलेगा। हाँ मैं कह रहा था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे पापा ने बोला तेरे टेंटुआ दबा दूंगा। टेंटुआ? हाँ, और मेरे गुरुजी ने, यानी टीचर ने बोला कि अपने अंदर झांको। अंदर झांको? हाँ, ये दोनों बातों का कनेक्शन में बताता हूँ। मैंने जब अंदर झांका तो पता है अंदर क्या मिला मुझे? बावलिया घंटा। ये सुनिए तो, अंदर मिला मुझे कुत्ते के खाने का सामान। कुत्ते खाने का सामान? मतलब हड्डियाँ मिली अंदर। हड्डियाँ मिली? हाँ, हड्डियाँ ही खाते है कुत्ता। उसके बाद अंदर मिले दो आईफोन। अबे जब, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, किडनी होते ना किडनी। हाँ। एक किडनी पे एक आईफोन बेच के मिलेगा, इतना महंगा है, दूसरे पे दूसरा। अबे एक सेकंड रुक जा। और तीसरा मिला मुझे एक बच्चा अंदर। बच्चा? किसका बच्चा? मैं, हेलो, दिल मिला। दिल तो बच्चा ही है ना, पूरा सुन ले। अरे अंदर सेकेंड, बात ये है कि अंदर झांकने पर भी मुझे टेंटुआ नहीं मिला, जो मेरे पापा ने बोले थे टेंटुआ जबर। टेंटुआ आखिर होता कहाँ, आपको पता है? टेंटुआ पीछे होता है। पीछे कहाँ? सर पे पीछे। अबे थोड़ा नीचे आ। नीचे मतलब गर्दन पे होता है टेंटुआ पीछे। अबे थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, पीठ पे। लेकिन पीठ पे तो तिल होता है, टेंटुआ कहाँ होता है? क्यों दिमाग खराब करा, थोड़ा नीचे आ। पीठ से नीचे कमर। ओ, कमर के पास होता होगा कहीं टेंटुआ। अबे और नीचे आ साले।
और नीचे, अच्छा जांग पे होता है पीछे की तरफ? नहीं नहीं, तू थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर की तरफ आ। अच्छा मतलब वापस कमर पे होता है, मतलब जहाँ तिल होता है, तेरी होता है। तो ए, चले क्या है? नहीं चाहिए टेंटुआ, दबाना ही नहीं है मुझे, ले ले। बाय बाय। Subscribe Indian Prank Army for more updates. हेलो, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो, क्या? हेलो, सॉरी मैं किसी और। नमस्ते अंकल। अंकल नहीं भाई, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा था। क्या चीज? दो मिनट चाहिए था आपका। मैं पहचानूंगा तो दूंगा ना, दो मिनट पहचान हो जाएगी। मैं कह रहा था कि आज मेरा एक बड़ा जरूरी एग्जाम था। अच्छा, पहले तो ये बताया है कौन? सब बता दूंगा, सुन लो। मेरा एग्जाम था, मैंने अपने टीचर को कल रात को फोन किया कि प्लीज एग्जाम में मेरे को पास कर देना। टीचर ने क्या बोला पता है? क्या बोला? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो सही बोला? और क्या बोला? नहीं ये तो छोड़, पापा ने भी सेम डायलॉग मारा। क्या? डेढ़ साल पहले जब मेरा वेकेशन हुआ था, मैंने उनको बोला था साइकिल चाहिए, सभी दोस्तों के पास साइकिल है, कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं। मम्मी से जाके बोल, मम्मी के पास गया, मम्मी कड़वा चौथ का व्रत रखी थी, मेहंदी लगाई थी, उनने भी कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं, जबकि मेहंदी थी हाथ में। तू बताया क्या लगा है हाथ में? कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं। पहले सॉरी, आज सुबह मेरे दादाजी बिस्तर पे लेटे हुए, एक मिनट दादाजी, ये मेरा दोस्त है बंटू। बंटू कौन बोल रहा है? बंटू प्यार से नाम जी रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते। मेरे और मेरे दादा के दोनों के थप्पड़ पड़ेंगे। एक सेकंड, मैं कह रहा था आपसे, आज मैं सुबह मॉर्निंग शो देखने निकल रहा था। अच्छा, इनको मैंने बोला। किनको? दादाजी को कि चलोगे। अच्छा। इनने भी सेम डायलॉग मारा। क्या? मेरे हाथ में कुछ नहीं। देखो तो कौन सी पिक्चर दिखा रहा था सुबह दादाजी को? अरे वो सनी देओल का ना घायल वंस अगेन, वो जा रहे थे। अपने दादाजी को वाली पिक्चर दिखा, मस्ती ज्यादा, फिर आएगा उनके हाथ में कुछ। कौन सी पिक्चर जा रहा है बच्चे? मस्ती ज्यादा, मस्ती ज्यादा, मस्ती ज्यादा। अरे ओ राजे, तुझे है शर्म? मेरी बात सुनिए। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाथ में आने मतलब आप टिकट की बात कर रहे हैं शायद दादाजी? टिकट नहीं बोल रहा है, टिकट नहीं तो शायद, शायद छड़ी कह रहा हूँ। छड़ी आ जाएगा हाथ में? नहीं छड़ी भी नहीं, ऐनक आ जाएगी हाथ में। ऐनक? ऐनक क्यों आएगी हाथ में? ऐनक तो सर पे लगी, आंखों में नहीं, मतलब हाथ से लेगी सर पे। मेरा शॉल आ जाएगा, शॉल आ जाएगा, ये तो हो। अबे आ जाएगा हाथ में। दादाजी, अरे ये कौन सी पिक्चर बजाई थी उन्हें? मस्ती ज्यादा भाई। आधे हम ये पिक्चर देखेंगे? शर्म नाम की चीज नहीं भाई साहब। दादाजी अक्सर एक डायलॉग मारते हैं जब भी कोई बदतमीज मिलता है, कौन सा है? ऐसा बच्चे तुम्हारे पास टाइम है? हाँ है, बोल क्या कर लेगा बुड्ढे। तो टाइम निकाल के मर जाओ ना जाके कहीं, मुझे दिखाओगे तुम मस्ती ज्यादा, तू एक नंबर ज्यादा। Subscribe Indian Prank Army.